प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन में पटना पायरेट्स की टीम कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेगी, इस वीडियो में आपको पटना पायरेट्स के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट बताने वाला हूँ। एंड ऑक्शन से पहले पटना पायरेट्स के स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स है, कौन है नॉमिनेटेड NYPs, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। शुरुआत करते हैं पटना पायरेट्स के करंट स्क्वाड के साथ। ऑक्शन से पहले पटना पायरेट्स के स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स है, तो हमें रेडर्स में देखने को मिल जाएगी सचिन तनवर, रंजीत नायक, अनुज कुमार, नीरज कुमार, मनीष, त्यागराजन युवराज एंड नवीन शर्मा। ये है प्री ऑक्शन स्क्वाड एंड नॉमिनेटेड NYPs, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। रेडर्स में हमें एक लीडिंग रेडर देखने को मिल जाएगा जो कि सचिन तनवर है, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। डिफेंस में नीरज कुमारी एकमात्र एक्सपीरियंस डिफेंडर है, राइट कवर के डिफेंडर है मनीष जो लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, त्यागराजन युवराज जो NYP है लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर एंड नवीन शर्मा वो भी NYP है राइट कॉर्नर के डिफेंडर। तो देखा जाए तो यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम ने ओवरऑल मेन प्लेयर्स को रिटेन किया, जो NYPs है वो यहाँ पे रिटेन हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉमिनेटेड NYPs के बारे में, आखिर कौन से प्लेयर्स को पटना पायरेट्स की टीम साइन करने वाली है। तो जितना मुझे पता चला है कि 3 प्लेयर्स साइन हो गए, जिसमें से 2 बढ़िया से रेडर्स है, जिसमें से एक या फिर 2 युवा कबड्डी सीरीज के भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। नाम तो रिवील अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के अंदर पटना पायरेट्स की टीम जो नेम्स है वो यहाँ पे रिवील कर देने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे प्लेयर्स को साइन किया है ऑक्शन से पहले। पटना पायरेट्स के पास ऑक्शन से पहले अभी क्या है, देखा जाए तो यहाँ पे एक लीडिंग रेडर है जो कि सचिन तनवर है, एक मात्र राइट कवर का एक्सपीरियंस डिफेंडर है नीरज कुमार, बाकी पोजीशन के जो प्लेयर्स है डिफेंडर्स है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑक्शन में उन पे ही टारगेट किया जाएगा। शुरुआत करते हैं कॉर्नर डिफेंडर्स के साथ, कौन कौन से कॉर्नर डिफेंडर्स पे टारगेट कर सकती है। लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले प्लेयर जो कि है मोहम्मद रेजा सादलू, डेफिनेटली इन पे FBM कार्ड का पटना पायरेट्स की टीम इस्तेमाल करेगी। एंड रीजन तो अभी ऑफिशियली भी आ चुका है कि कोच ने रिवील किया है कि वो खुद चाहते थे कि वो रिलीज हो, जिसके कारण पटना की टीम ने उनको रिलीज किया एंड डेफिनेटली उन पे FBM कार्ड का इस्तेमाल करेगी, ऐसा एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है। तो फॉर श्योर मोहम्मद रेजा सादलू अगर लिमिट क्रॉस बिट नहीं जाता है तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी रहने वाला है वो यहाँ पे मोहम्मद रेजा सादलू पे रहेगा। अगर मोहम्मद रेजा सादलू नहीं मिलते तो एक और ईरानी डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर का जो कि है फजल अतराचली, ये भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है एंड पटना पायरेट्स की टीम में वापस आने का एक चांस थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है अगर सादलू नहीं मिलते। तो देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, पटना के पास वैसे तो 3 करोड़ के आसपास पर्स बैलेंस होने वाला है, अगर इन पे 1.5 करोड़ तक का रखती है, अगर पुनेड़ी पलटन की टीम थोड़ा रहम कर देती है तो पटना पायरेट्स की टीम में आ सकते हैं, अदरवाइज देखा जाए तो इनका थोड़ा कम चांस निकल के आ रहा है, लेकिन टारगेट कर सकती है। अगर दोनों ही डिफेंडर्स नहीं मिलते तो कौन सा एक इंडियन ऑप्शन पे जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मोहित कालेर एक अच्छे ऑप्शन है जिन्हें टारगेट किया जा सकता है। 20 मैचेस में 44 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था, तो इन पे टारगेट किया जा सकता है अगर सादलू एंड फजल में से कोई भी डिफेंडर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं राइट कॉर्नर पोजीशन की तरफ, तो राइट कॉर्नर पे एक बढ़िया सा ऑप्शन दिख रहा है जो यहाँ पे सोमबीर है, सोमबीर को टारगेट कर सकती है। वैसे तो राइट कॉर्नर पे कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, सोमबीर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 18 मैचेस में 35 टैकल पॉइंट्स पिछले सीजन इन्होंने स्कोर किया था, तो इन पे टारगेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं कवर डिफेंडर्स की तरफ, वैसे तो राइट कवर क्लियर है जो कि नीरज कुमार है, लेफ्ट कवर पे ही टारगेट किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन है महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, पिछले सीजन अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था, 23 मैचेस में 44 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था, तो इन पे जरूर पटना पायरेट्स की टीम टारगेट करेगी। इनके ही अल्टरनेट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे विशाल लाथर भी एक अच्छे ऑप्शन है जिन पे पटना पायरेट्स की टीम जा सकती है, पिछले सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, 22 मैचेस में 58 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो देखा जाए तो पटना की टीम इन पे टारगेट करेगी। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर भी अगर आ जाता है तो पटना का जो कवर डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग बन जाने वाला है। तो
कौन इनका साथ देगा नीरज कुमार का, महेंद्र सिंह या विशाल आथिर कौन अच्छे ऑप्शन हो सकते, कमेंट्स में जरूर बताएगा। अब यहाँ पे बात करते रीडर्स के बारे में, देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट सीजन प्रो कबड्डी सीजन 9 में पटना पायरेट्स के पास तीसरा रेडर नहीं था, जिसके कारण पटना पायरेट्स की टीम बहुत सारे मैचेस हारी। एंड इस बार जो गलती पिछले सीजन किया था वो इस बार नहीं रिपीट करना चाहेगी। सचिन तंवर एक लीडिंग रेडर है एंड कुछ अच्छे NYPs को साइन किया है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि थर्ड रेडर के तौर पे खेलेंगे, तो एक बढ़िया सा रेडर ऑक्शन में इनको खरीदना होगा जो यहाँ पे एज अ सेकेंडरी रेडर या फिर एज अ थर्ड रेडर खेल सके। तो सबसे पहले ऑप्शन मुझे लगता है कि रोहित गुलिया हो गए, रोहित गुलिया को डेफिनेटली पटना पायरेट्स की टीम टारगेट करेगी। पिछले सीजन पटना पायरेट्स की टीम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था, अगर कम प्राइस में मिलते तो इनपे FBM कार्ड का इस्तेमाल होगा। 19 मैचेस में 148 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था, तो परफॉर्मेंस इतना भी बेकार नहीं था, तो इन पे FBM कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। एक ऑप्शन और ऐसा रेडर देखा जाए तो मुझे लगता है कि गुमान सिंह जो पटना पायरेट्स की टीम का हिस्सा थे सीजन 8 में, तो इन पे जा सकती है। वैसे तो सीजन 8 में बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, 18 मैचेस में 137 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था, तो अगर कम प्राइस में मिलते तो पटना पायरेट्स की टीम इनको टारगेट कर सकती है। अगर स्क्वाड में आ जाते तो मुझे लगता है कि पटना पायरेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये कुछ ऐसे रेडर्स थे, एक ऑलराउंडर रोहित गुलिया जिन्हें टारगेट कर सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो पटना पायरेट्स को ऑक्शन में एक बढ़िया सा लेफ्ट कवर का डिफेंडर, दोनों ही पोजिशन के कॉर्नर डिफेंडर्स एंड एक से दो बढ़िया रेडर्स ऑक्शन में मिल जाते तो पटना पायरेट्स का जो स्क्वाड होगा वो बहुत ही खतरनाक दिखने वाला है। तो ऐसा मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी रहने वाला है, आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में जरूर बताएगा। एंड एशियन गेम्स 2023 के लिए इंडिया का जो स्क्वाड है उसका चयन हो चुका है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे वीडियो शो हो रहा होगा एंड राइट साइड पे आपको टारगेट प्लेयर्स का प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, वो भी आप देख सकते हो उस पर क्लिक करके। तब तक मैं मिलता हूँ एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।